हाय स्टूडेंट, आज हम देखेंगे कुछ एग्जांपल्स, ठीक है, रिलेटेड टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, सो पहला एग्जांपल है अपना, z सेटिस्फाई द इनइक्वालिटी मॉड z माइनस वन इज इक्वल टू मॉड z प्लस वन। दिस इज अ मॉड्यूलस टाइप, देन शो दैट रियल पार्ट ऑफ z इज जीरो। ओके, अब डरना मत, ठीक है, अब क्या करें, डोंट वरी। ओके, नाउ जो दिया है उसको लेके स्टार्ट करो, मॉड जेड माइनस वन इज इक्वल टू मॉड जेड प्लस वन। ओके, अब जेड क्या है, जेड इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ओके, इम्प्लाइज जेड को ऐसे लिख सकते हम एक्स प्लस आई वाई, वाई नॉट, यस एक्स प्लस आई वाई। सो यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई पुट करो तो ये हो जाएगा एक्स प्लस आई वाई माइनस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस वन। ओके, अब देखो एक्स और माइनस वन दोनों रियल है, एक्स और प्लस वन दोनों रियल है, तो दोनों को एक साथ लेके आओ लाइक दिस, एक्स माइनस वन प्लस आई वाई। अब ये सूट हो रहा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर, एक्स प्लस वन प्लस आई वाई। ओके, सो देखो दोनों ये बन गए। अब मॉड्यूलस ऑफ जेड की प्रॉपर्टी क्या कहती है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो ये क्या हो जाएगा गाइस, अंडर रूट एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पर भी एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, सो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स माइनस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर भी एक्स प्लस वन का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सो वाई स्क्वायर गेट कैंसल बिकॉज बोथ आर पॉजिटिव। ओके, सो यहाँ पे एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर एक्सपांड करो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस टू एक्स, यहाँ पे बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस टू एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर कैंसल, प्लस वन कैंसल, सो अल्टीमेटली वी विल गेट माइनस टू एक्स। ओके, माइनस टू एक्स इज इक्वल टू टू एक्स, इम्प्लाइज ये माइनस वहाँ जाके प्लस होके फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो, सो एक्स इज इक्वल टू जीरो। सो यहाँ पे देखो, इन दिस कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स इज अ रियल पार्ट एंड वाई इज अ इमेजिनरी पार्ट, सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, इज जीरो। देयरफॉर क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, यस बिकॉज एक्स इज अ रियल पार्ट, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ जेड इज जीरो, हेंस प्रूव। ओके, सेम टाइप का एग्जाम्पल आगे मैंने लिया है, वो है अगर जेड माइनस आई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ जेड प्लस आई, देन शो दैट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो। ओके, सो यहां पे पुट z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, हाँ इन कहां पे पुट करना है आपको, z माइनस आई के अंदर एंड z प्लस आई के अंदर। ओके, सो z क्या है अपना, x प्लस आई वाई माइनस आई इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई प्लस आई। ओके, सो ये बन जाएगा, अब देखो यहां पे इमेजिनरी पार्ट एक्स्ट्रा है, सो i को कॉमन लो, इट विल बिकम y माइनस वन, एंड हियर अगर i को कॉमन लिया इट विल बिकम y प्लस वन। सो दिस इज अ मॉड्यूलस, सो व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस, इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस y प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर ऑन बोथ साइड, इट विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन होल स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर गेट कैंसल। ओके, सो वाई माइनस वन होल स्क्वायर इक्वल टू वाई प्लस वन होल स्क्वायर, और द एक्सपांशन ऑफ दिस, द एक्सपांशन इज वाई स्क्वायर प्लस वन माइनस टू वाई, हियर वाई स्क्वायर प्लस वन प्लस टू वाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओके, सो वाई स्क्वायर गेट कैंसल, प्लस वन गेट कैंसल, सो रिमेनिंग माइनस टू वाई इक्वल टू टू वाई, सो फोर वाई इक्वल टू जीरो, ये माइनस वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। ओके, इम्प्लाइज वाई इक्वल टू जीरो, बट इन गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, वाई रिप्रेजेंट इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, देयरफॉर इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड इज जीरो। ओके, सो यही हमें दिखाना था, यस। ओके, देखो कितना आसान है, सो आपको ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्केच द पॉइंट ऑफ फॉलोइंग। ओके, देखो कितना 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 इजी है, सेम यहां पे हमें ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या बना रहा है, इसके पॉइंट खींचने, मतलब ग्राफ बनाना है इसका, इन शॉर्ट।
या क्या बनेगा ये दिखाना है। सो यहाँ पे आप जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट कर दो गाइज। ओके सो आपको क्या मिलेगा, मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आई वाई प्लस फाइव लेस देन वन। ओके सो रियल पार्ट एक जगह लेके आओ, इमेजिनरी पार्ट एक जगह लेके जाओ। ओके सो दिस इज अ मॉडुलस। सो मॉडुलस का मीनिंग क्या होता है, अंडर रूट एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर लेस देन वन। ओके टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड तो इट विल बिकम एक्स प्लस फाइव होल स्क्वायर प्लस वाई होल स्क्वायर लेस देन वन स्क्वायर इज वन। ओके सो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ दिस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल इन दिस लाइक फॉर्मेट, एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ओके सो दिस इज द सर्कल विथ सेंटर माइनस फाइव एंड जीरो। अब हाउ माइनस फाइव, क्योंकि एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो गिव्स एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। ओके एंड हियर इज अ वाई माइनस जीरो होल स्क्वायर, देयरफॉर वैल्यू ऑफ के इज जीरो। ओके सो दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर माइनस फाइव एंड जीरो विथ रेडियस वन, विथ रेडियस वन। ओके सो सपोज करो यहाँ पे माइनस फाइव है, ये जीरो है, सो ये सर्कल कैसे बनेगा, लाइक दिस। ठीक है, ये ऐसे सर्कल बनेगा और लेस देन वन है, मतलब क्या, ये इसकी रेडियस लेस देन वन है। ओके सो सपोज करो वन रेडियस लेके हमने सर्कल बनाया, सो इसके इंटीरियर पॉइंट आएंगे। ठीक है, इसके अंदर कौन से पॉइंट आएंगे, इंटीरियर पॉइंट आएंगे। ओके सो इस तरह से, सो द पॉइंट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर आर इंटीरियर पॉइंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, बाहर के नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि इक्वल टू वन नहीं है। अगर इक्वल टू वन होता तो हम बाउंड्री के भी उठाते, वो आगे आएगा आपको ओपन सेट क्लोज सेट के अंदर। ठीक है, बस ये ध्यान में रखो। ठीक है, सो नेक्स्ट वन, जेड माइनस फोर प्लस थ्री आई इक्वल टू फोर। ओके सो जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई पुट करो गाइस, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस आई वाई माइनस फोर प्लस थ्री आई ओके इक्वल टू फोर। सो रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो, सो आपको मिलेगा वाई, आई एम सॉरी, ये हो जाएगा आई वाई प्लस थ्री इक्वल टू फोर। दिस इज अ मॉडुलस, देयरफॉर एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू फोर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, सो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर इक्वल टू फोर स्क्वायर। ओके दिस विल बिकम अगेन सर्कल विथ सेंटर फोर, ठीक है, एंड रेडियस ओ सेंटर फोर कॉमा माइनस थ्री। ठीक है, एंड रेडियस, रेडियस आएगी फोर। ओके सो यहाँ पे देखो, इफ सपोज दिस इज अ फोर एंड दिस इज अ माइनस थ्री। ओके सो ये ऐसे बनेगा, सर्कल ऐसे बनेगा और इक्वल टू फोर रेडियस है। आई नो दिस इज नॉट सर्कल, ठीक है, सो इक्वल टू दिया है, मतलब यहाँ के पूरे पॉइंट बाउंड्री पॉइंट के साथ आएगा, ये जो पॉइंट्स होंगे ये पूरा आएगा इस स्केच के अंदर। आपको इस तरह से स्केच बनाना है, ठीक है, एग्जामिनेशन के अंदर। ओके सो क्योंकि वहाँ पे स्केच बोला है, राइट नहीं बोला है। ओके एंड द लास्ट वन इज जेड माइनस फोर प्लस थ्री आई। ओके अब यहाँ पे एक्स प्लस आई वाई डालो गाइस, जेड इज इक्वल टू, तो आपको मिलेगा एक्स प्लस आई वाई माइनस फोर प्लस थ्री आई लेस देन आर इक्वल टू फोर। ओके सो ये क्या आ जाएगा गाइस, रियल पार्ट अलग करो, इमेजिनरी पार्ट अलग करो, ठीक है, लेस देन आर इक्वल टू फोर, दिस इज द मॉडुलस, देयरफॉर एक्स माइनस फोर का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री का होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू फोर, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, सो एक्स माइनस फोर होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस थ्री होल स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू फोर स्क्वायर। ओके अब देखो ये सिचुएशन, देखो अब मैं जरा सा ठीक से सर्कल बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक, गिव मी जस्ट सेकेंड। ओके दिस इज अ सर्कल, अब जरा ग्राफ भी बनाना पड़ेगा, इसका सेंटर क्या है, सेंटर है फोर कॉमा माइनस थ्री। ठीक है, सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज अ वाई एक्सिस, ओके दिस इज फोर एंड दिस इज अ माइनस थ्री एंड दिस इज अ सेंटर फोर कॉमा माइनस थ्री। ओके सो दिस इज द रेडियस फोर। ओके रेडियस क्या है, फोर। अब देखो गाइस, अब हमें
लेस देन और इक्वल टू 4 स्क्वायर लेना, मतलब अंदर के पॉइंट लेने, अंदर के बाउंड्री पॉइंट, इसको हाथ नहीं लगाना है बाउंड्री को, अंदर के पॉइंट उठाने बस, अंदर के जो भी अंदर है वो सब, ठीक है, घर के चार दीवारी के अंदर, ठीक है। सो दिस इज अ स्केच, आपको वहां पे ऐसे मेंशन करना होगा लाइक दिस, ऐसे काला नीला कर देने का पूरा, ओके। एंड दिस इज द होमवर्क फॉर यू, ये इसकी फिगर कैसे बनी, ठीक है, और इसके पॉइंट कहाँ पे आएंगे, बस आपको कमेंट सेक्शन में ये बताना है इसके पॉइंट कहाँ पे आएंगे गाइज, ओके। सो गाइज थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, ओके, बाय बाय।